जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ मेरे आर्टिकल जो हैं वो गूगल में रैंक कर रहे हैं, और फिर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी मेरी तरह अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है, यश राज मुखाटे बायोग्राफी इन हिंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है। फीचर्ड स्निपेट में यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है। एक और कीवर्ड की बात कर लेते हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पेज पर यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्लॉग के साथ हमारा जो आर्टिकल है bloggingskill.com, यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें जो गूगल में फास्ट रैंक करे। तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये रैंक कर रहा है। एक और कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे खरीदें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्लॉग के साथ यहाँ पे देख सकते हैं पहले पेज पर ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे खरीदें। ये आर्टिकल 2020 में लिखी गई थी और अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसका रैंक थोड़ा डाउन हुआ है, बट यहाँ पे स्टिल ये पहले पेज पर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इस पर अगर आप काम मैं करूँगा तो डेफिनेटली इसे और भी इम्प्रूव कर पाऊँगा, इसकी जो रैंकिंग है और इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो इस तरह से मेरे आर्टिकल जो हैं गूगल में रैंक करते हैं, और क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए ताकि आप भी अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक कर पाएँ। तो पूरा इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं, क्या टेक्निक्स अपनाने होते हैं ताकि आर्टिकल गूगल में पहले पेज पर रैंक करे, ठीक है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आर्टिकल को गूगल में रैंक करने के लिए मैं जो स्ट्रेटजी अपनाता हूँ वो ये 6 पॉइंट होते हैं। इन 6 पॉइंट को ही मैं ध्यान में रख के काम करता हूँ और मुझे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जी हाँ, आपको सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जो भी आर्टिकल लिखने जा रहे हो उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही सिलेक्ट करें, उस पर आपको रैंक करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप हाई सर्च वॉल्यूम शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज करोगे तो आप एक तो रैंक नहीं करोगे, दूसरी चीज़ आपकी जो गूगल का ट्रस्ट है, जो रैंक होता है, देखिए जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड जब आप यूज करते हो और उस पर जब धीरे धीरे आप पहले पेज पे रैंक करते हो तो गूगल का ट्रस्ट बढ़ता जाता है, और आगे चल के आप जो शॉर्ट टेल कीवर्ड सिलेक्ट करोगे उस पर आर्टिकल लिखोगे तो वो कीवर्ड भी आप उस कीवर्ड पर भी जो है रैंक कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज करना है, इससे आपको रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चाहे फ्यूचर में आप शॉर्ट टेल ही भले ना क्यों टारगेट कर रहे हो, वो भी रैंक करने लगेगा इस टेक्निक की मदद से। तो स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड ही सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड ही सिलेक्ट यहाँ पे टारगेट किया था, यश राज मुखाटे बायोग्राफी इन हिंदी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे, ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू होस्ट से होस्टिंग कैसे खरीदें, ये सब लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मेरा जो पोस्ट है वो गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रहा है। तो आपको भी लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना है। बहुत से यूजर को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यानी कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने नहीं आता है, यही मेन कारण है जिसकी वजह से उन्हें जो है उनको रैंकिंग नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, bloggingskill.com पर जाना है, और यहाँ पे आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे जो गूगल में फास्ट रैंक करे इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में यहाँ पे जानकारी आपको प्रोवाइड करी है कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे। देखिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अगर आप लिखना सीख जाते हो तो आपका 50% काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद कुछ और टेक्निक्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपको रैंकिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद कीवर्ड को टाइटल में रखना है और पैराग्राफ में रखना है उसे, और हेडिंग सब हेडिंग को कैसे यूज करना है, टेबल ऑफ कंटेंट, रिलेटेड पोस्ट, हाई क्वालिटी लिंक और एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस करी हैं। तो इस पोस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे गूगल में सर्च करते हो तो आपको पहले पेज पर
कुछ वेबसाइट के बाद ही आपको bloggingskill.com आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे भी आप पहुँच सकते हो। इजी होगा कि आप bloggingskill.com पर जाके आप विजिट करके सीधे आप इस आर्टिकल तक पहुँच जाएँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं मान लेता हूँ कि आपने SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना सीख लिया है, अब आपको क्या करना है, बैकलिंक्स बनाना है और प्लस सोशल शेयर करना है। जी हाँ, अब बहुत से लोग क्या है ना, बैकलिंक्स, स्पैमी बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, कभी भी आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो स्पैमी बैकलिंक्स मत बनाइए। आप क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पर फोकस मत करिए। आप महीने में केवल एक ही बैकलिंक्स बनाइए, बट उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। गूगल उसी आर्टिकल को रैंक करता है जिस पर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं, ना कि ढेर सारे क्वांटिटी वाले बैकलिंक्स, स्पैमी बैकलिंक्स हो, उन्हें नहीं वो रैंक करेगा, ठीक है। क्वालिटी पर फोकस करिएगा और सोशल शेयरिंग भी आपको करना है। बहुत से लोग क्या है ना, सोशल शेयरिंग डरते हैं कि एड लिमिट वगैरह लग जाती है सोशल शेयर करने से। तो देखिए, सोशल शेयरिंग का मतलब है कि अगर आप एक आर्टिकल को बार बार एक ही प्लेटफॉर्म पे, जैसे मान लेते हैं फेसबुक पे, बार बार शेयर करेंगे तो एक तो पहली बात तो फेसबुक आपको बैन कर देगा, आप आर्टिकल शेयर भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है कि केवल एक आर्टिकल जो आपने लिखा एक बार आपको फेसबुक पे शेयर करना है और उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। एक जगह से ट्रैफिक लाओगे तो फिर आपको एड लिमिट लगनी ही लगनी है। तो फोकस करिए, अलग अलग जगह से ट्रैफिक प्राप्त करिए, तो इससे आपको एड लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर है कंसिस्टेंसी प्लस ओल्ड पोस्ट को आपको अपडेट करना है। देखिए, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए, अब कंसिस्टेंसी ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। एक आर्टिकल लिखे, एक महीना छोड़ दिया, दो आर्टिकल लिखा, दो महीने बाद फिर आ रहे हैं कि अब लिखते हैं, फिर चलिए रेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक बार आपने काम करना स्टार्ट किया तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए और जितने भी पुराने पोस्ट हैं अगर उसमें कुछ अपडेट आ गया है तो उसे अपडेट करिए। उस पोस्ट को अपडेट करने से आपको यहाँ पे रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ज़रूर करना है। पांचवा पॉइंट है गूगल न्यूज़ का आपको अप्रूवल ले लेना है। इससे पहले मैंने बताया था कि गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे आप ले सकते हो, तो बेसिकली आपको उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू सबमिट योर साइट ऑन गूगल न्यूज पब्लिशर सेंटर, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, गूगल न्यूज़ का आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए, गूगल न्यूज़ का अप्रूवल मिलेगा तो एक तो आपकी आर्टिकल जो है ना गूगल न्यूज़ से कुछ ट्रैफिक लग देगी, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रेगुलर फ्रिक्वेंटली पोस्ट अपडेट करते हैं, तो अगर आप पोस्ट हफ्ते में एक डाल रहे हैं तो गूगल न्यूज़ से ट्रैफिक मिलना मुश्किल है। आप न्यूज़ साइट की तरह काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल डेली बेसिस पे जब आप पब्लिश करोगे अपनी साइट पे, तभी आपको गूगल न्यूज़ से जो है ट्रैफिक मिलने वाला है। तो एक तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, दूसरा आपके आर्टिकल जो है ना वो इंस्टेंटली इंडेक्स हो जाएंगे गूगल में। जैसे ही आप आर्टिकल लिखोगे, दो मिनट तीन मिनट में ही वो गूगल के टॉप 10 पेजेस में आ जाएंगे। इसलिए आपको गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे छठा हमारा लास्ट पॉइंट है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है गूगल का ट्रस्ट। जी हाँ, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपनी साइट पे ये ऊपर के पांच चीज़ें फॉलो करते हैं तो ये छठवा जो है गूगल का ट्रस्ट जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जी हाँ, गूगल का ट्रस्ट एक बार आपकी साइट पे बन जाएगा तो आपके आर्टिकल, आप कुछ भी लिख दोगे ना तो वो तुरंत इंडेक्स होगा और रैंक करेगा। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैंने इसको ट्राई किया है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, 100% मैं श्योर हूँ कि आपके आर्टिकल गूगल में रैंक करेंगे। और आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आई होप ये पसंद आया ही होगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।